हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेगालिथ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मेगालिथ के जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपका और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के अपने वीडियो की शुरुआत करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेगालिथ के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि 40 टाइप्स के मेगालिथ पाए गए हैं साउथ इंडिया में, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट 6 मेगालिथ है। तो आज हम लोग सबसे पहले जिस टाइप्स ऑफ मेगालिथ को डिस्कस करने वाले हैं वो है मिन्हीर। ओके, मिन्हीर क्या है और ये कहाँ पर है, इसको ब्रीफली तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। अ लार्ज स्टोन ऑफ कॉलम साइज इज इरेक्टेड ऑन द ग्रेव। क्या बोल जा रहे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में देखिए, ये जो मिन्हीर है ये काफी बड़े स्टोन से बनाया जाता था, और ये जो है ये कॉलम साइज का बनाया जाता था, और इसको कहाँ रखा जाता था, बनाने के बाद इसको कॉलम की तरह ग्रेव के ऊपर खड़ा कर दिया जाता था। ओके, उसके बाद देखिए, अब इसके लेंथ की बात करें मिन्हीर की, तो इसकी लंबाई क्या थी, तो मिन्हीर की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर थी। ओके, इसके अलावा मिन्हीर को लोकल लैंग्वेज में कुछ और नाम से बुलाया जाता है, वो क्या है, वो है नाडुकल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मिन्हीर को लोकल लैंग्वेज में नाडुकल कहा जाता है। ओके, अब देखिए ये मिन्हीर जो है वो कहाँ कहाँ पाया गया है। अगर हम लोग इसकी रीजन की बात करें तो मिन्हीर जो है वो आंध्र प्रदेश और केरला में पाया गया है। ओके, अगर हम लोग मिन्हीर मेगालिथ की साइट्स की बात करें तो ये हमें आंध्र प्रदेश और केरला में मिला है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने मिन्हीर के बारे में क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने मिन्हीर के बारे में पढ़ा कि इसको लार्ज स्टोन से बनाया जाता था और ये कॉलम साइज का हुआ करते थे, और इसके बाद जब ये मिन्हीर रेडी हो जाता तो इसको ग्रेव में रख दिया जाता था। और इसकी साइज की बात करें तो इसकी लेंथ जो थी वो 1.5 मीटर थी, और इसके अलावा मिन्हीर को लोकल लैंग्वेज में नडुकल कहा जाता था, और ये जो है ये आंध्र प्रदेश और केरल रीजन में पाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे हुड स्टोन को। हुड स्टोन क्या है इसको देखते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेगालिथ को पढ़ेंगे। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेगालिथ है वो क्या है, वो है हुड स्टोन। ओके, अब ये हुड स्टोन क्या है इसको देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। अ राउंड शेप स्टोन ऑब्वियसली प्लेस ऑन द ग्रेव्स एंड सच टाइप ऑफ ग्रेव लुक लाइक अ हुड ऑफ द स्नेक। जरा ये जो हुड स्टोन है ये बहुत बड़े स्टोन से बनाया जाता था, और वो स्टोन जो थी वो राउंड शेप की होती थी, और इसको बनाने के बाद ग्रेव में रख दिया जाता था। उसके बाद ये जो राउंड शेप स्टोन से बना है हुड स्टोन, ये दूर से देखने में कैसा लगता था, ये दूर से देखने में हुड ऑफ द स्नेक, स्नेक के हुड की तरह लगता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए इसका नाम हुड स्टोन पड़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स समझिए इसको कि वो जो हुड स्टोन है उसको कैसे बनाया जाता था। हुड स्टोन को एक बहुत बड़े स्टोन से बनाया जाता था, ये स्टोन राउंड शेप के हुआ करते थे, ये दिखने में दूर से हुड ऑफ द स्नेक की तरह लगता था, और इसको बनाने के बाद इसको भी कबर में रख दिया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, अभी हुड स्टोन को लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है इसको देखिए। हुड स्टोन को लोकल लैंग्वेज में कुदाईकल बोला जाता है, और ये कौन कौन से रीजन में पाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश और केरला में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के इस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेगालिथ के 2 टाइप्स को देखा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ मेगालिथ के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेगालिथ को डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स मैं आज का अपना सेक्शन ही खत्म करती हूँ। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।